हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हरियाणवी व्लॉगर ममता सिंगल में। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी। तो आप इस रेसिपी को फॉलो भी कर सकते हैं और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और गर्मियों में तो सीजनेबल जो कद्दू होते हैं वो आए हुए होते हैं, तो उनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने तेल रख दिया था और जैसे ही तेल गर्म हुआ मैंने इसमें जीरा और मेथी हींग डाल दी है। और जैसे ही हमारी हींग वगैरह सब चटक गई है मैंने इसमें डाल दिए प्याज और मैंने इसमें एक तेज़पत्ता भी डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने कद्दू को छील के काट लिया है। अगर आपका कद्दू कच्चा है ग्रीन कलर का तो आप उसके छिलके ना उतारें, अदरवाइज उतार दें क्योंकि थोड़े टाइट होते हैं और बनने में टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं। और यहाँ पर मैं अदरक को डालना भूल गई थी, अदरवाइज प्याज के साथ ही डालती, तो मैंने अदरक को कूट के डाल दिया है। और जैसे ही हमारे अदरक सॉरी लहसुन और ये प्याज है भुन गए हैं, उसी टाइम मैंने इसमें कद्दू ऐड कर दिए हैं जो काट के रखे हुए थे मैंने। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसको 4-5 मिनट के लिए भून लूँगी बर्गर मसाले की। और जैसे ही 4-5 मिनट हो गए हैं मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर डाली कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने डाली धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च और ऐड की थी, वो मैंने इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और नमक डाल दिया मैंने टेस्ट के अनुसार। तो जिस तरह का आप खट्टा खाना पसंद करते हो, जिस तरह का आप नमक का मिर्च का जैसा भी डालते हो, आप जिस तरह के मसाले आप खाते हो उस तरह के ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने अच्छों से मसालों को मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कैरी, एक कैरी रखी हुई थी मेरे पास तो वो मतलब ज़्यादा कच्ची नहीं थी, थोड़ी पक चुकी थी, तो उसको मैंने छील के और जो बारीक वाला जो कद्दूकस होता है छोटा जिससे हम अदरक वगैरह क्रश करते हैं उससे मैंने इसको अच्छे से वो कर लिया है। तो ये बिल्कुल इस तरह का पेस्ट सा बन गया था और मैंने इसमें डाल के ऐड कर दिया है। अगर आपके पास कैरी वगैरह नहीं है तो आप इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हो, है तो आप कैरी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास कैरी थी तो मैंने वो डाल दी है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गुड़। तो यहाँ पे मैंने गुड़ डाला है, उसको मैंने चक्कू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप चीनी भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे गुड़ से थोड़ा कलर अच्छा आता है तो मैंने गुड़ डाल दिया यहाँ पे। और गुड़ डालने के बाद मैंने इसको 2 मिनट के लिए ढक दिया था और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल की जो होती है ना भंडारे वाली, उस तरह की सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। पराठे और पूरी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज मैं इसको पूरी के साथ बना रही हूँ, यानी कि मैं पूरी बनाऊँगी इसके साथ। और खीर मैंने बना के पहले रख दी है, उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 बार इसको 3-3 मिनट के लिए 4-4 मिनट के लिए इसको ढक के पका लिया है। और अब मेरी सब्ज़ी है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम हलवाई स्टाइल जो होती है कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी वो बनके हो गई है रेडी। तो ये देखिए आप, बहुत ही यम्मी लग रही है और टेस्टी भी थी सच में। बच्चों ने मतलब बहुत खुश होकर खाई ये सब्जी, अदरवाइज़ बच्चे इस तरह की सब्जियां कम पसंद करते हैं तो ये खट्टी मीठी वाली सब्जी होती है इसको खा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, गैस का फ्लेम कर दिया था ऑफ़। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें हरा धनिया। हरा धनिया डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, दिखने में अच्छी लगती है और खाने में तो टेस्टी है ही। तो ये देखिए मैंने हरा धनिया डाल दिया और अब हमारी सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बनके हो गई है रेडी। और यहाँ पे मैंने खीर को पहले ही बना लिया था तो खीर मेरी ऑलमोस्ट ठंडी हो चुकी है। तो ये आपको थोड़ी गाढ़ी दिख रही है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको बहुत देर तक बनाया है गैस पर। तो जब तक हम खीर को मतलब खीर नीचे लगने ना लग जाए ना, तब तक हमारी खीर है वो टेस्टी नहीं बनती, बिल्कुल खोवे की तरह बन जाती है। तो यहाँ पर इसलिए ये गाढ़ी हो चुकी है क्योंकि मैंने इसको काफ़ी देर गैस पर बनाया है। और खीर बनने के बाद मैंने यहाँ पे अपना आटा लगा के रख दिया था और मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पूरियाँ। तो आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म पूरियाँ। तो अभी आपको मैं प्लेट लगा के दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है, और सच में बहुत टेस्टी खाना बना था। तो बच्चे इस तरह की चीज़ें हैं, पूरी पराठे इस तरह की चीज़ें हैं, वो खुश होकर खाते हैं तो कभी कभी बना लेते हैं। डेली तो ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं होती स्वास्थ्य के लिए, तो आपको पता ही है, बट कभी कभी अच्छी लगती है। पूरियाँ तो मुझे बहुत पसंद है, सब्जी पूरी तो मुझे मतलब आलू की सब्जी छोले की सब्जी इनके साथ पूरियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है कद्दू की सब्जी के साथ। तो ये देखिए हमारी गर्मा गर्म पूरी हो गई है रेडी। और यहाँ पर मैंने प्लेट लगा ली है, तो यहाँ पर कद्दू की सब्जी, खीर है और पूरियाँ, ये देखिए। और बिल्कुल क्रिस्पी सी जो होती है ना, उस तरह की पूरियाँ अच्छी लगती है, आप देख सकते हैं। तो मैं इस तरह की बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा खाना वाना हो गया है, सबने खाना खा लिया है और अभी मेरा ऑलमोस्ट जो काम है वो फिनिश हो चुका है। उसके बाद मैंने जो काम किया उसको मैं शूट नहीं कर पाई, तो अब मैं वीडियो बाद में स्टार्ट कर रही हूं। जैसा कि आपको थंबनेल से ही समझ में आ गया होगा कि मैं आज वीडियो में किसके बारे में बात करने वाली हूँ, जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा के बारे में। तो मैं काफ़ी दिन से उनकी वीडियो देखती हूँ और एक दो यूट्यूबर और भी हैं जो मुझको अच्छे लगते हैं, तो मैं उनकी वीडियो को
देखती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ, तो उनमें देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा जी भी हैं, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाती है, उनकी वीडियो से हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। ये नहीं है कि बे ऐसी वैसी चीज़ें दिखाती है, बिल्कुल जो रियल चीज़ें होती है वही वो शेयर करती है, और ऐसी चीज़ें शेयर करती है जो हमारे काम आए, हमारे लिए यूजफुल हो, ऐसी कई वीडियो उन्होंने डाली हुई है, तो अच्छी बात है, उनकी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन जिन लोगों को उंगलियाँ उठानी है वो तो उठाते ही है, तो वो इतने अच्छी यूट्यूबर है और उनके इतने अच्छे व्यूज आते हैं, बट फिर भी वहाँ पर भी लोगों को उनमें कहीं ना कहीं कमी दिखी है। कई लोग मतलब बोलते हैं ना कि दिमाग में मतलब देखने वालों की नज़रों में होती है वो चीज़ें, कोई किसी चीज़ को किस तरीके से देखता है और कोई किसी तरीके से, तो इतने सारे उनके फ़ैन हैं, फिर भी वहाँ पे अभी उन्होंने उनकी वीडियो देखी तो वहाँ भी एक बंदे ने कमेंट कर रखा है कि भाई आपको है ना केक तो बनाना आता नहीं, हमें कैसे कहोगे, आपने ऑरेंज केक बनाया तब आपने बोल दिया था कि मैं मतलब कुछ काम करने लग गई तो शूट नहीं कर पाई उस वीडियो को, लेकिन सच तो ये है कि आपका वो केक अच्छा बना ही नहीं, खराब हो गया, और अब आपने मतलब बनाना सीख लिया है तो अब बार बार वीडियो में आप केक ही दिखाए जा रहे हो, तो भाई ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। कोई भी बंदा किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, मैं तो ये कहती हूँ, कोई किचन में भी नहीं होता, मतलब कुकिंग में ना, कोई घर के काम में परफेक्ट होता है, हर बंदा एक दूसरे बंदे से कुछ ना कुछ सीखता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये ज़रूरी नहीं है हमेशा जो छोटे बंदे होते हैं वही बड़ों को देख के सीखते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती है जो बड़े छोटों को देख के भी सीख लेते हैं, तो इसमें कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। चलो मान लीजिए उनको केक नहीं भी आया, लेकिन उन्होंने कोशिश तो की कि उन्होंने केक सीखा, या कुछ भी लगा लो आप बोल रहे हो कि उन्होंने केक सीखा फिर वीडियो बनाई, तो कोई बात नहीं, उन्होंने कम से कम वीडियो देख के केक बनाना तो सीख लिया और फिर आपको सिखा दिया, तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग चीज़ को सीख के फिर आपको सिखा रहे हैं तो सोचो कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, ये कोई भी चीज़ नहीं है। हम भी एक यूट्यूबर है तो हमें पता है, कई बार हम वीडियो बनाते रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो को ऑन नहीं करते और हम अपना जो काम है वो करते रहते हैं कंटिन्यू, और जब काम खत्म हो जाता है तो हम वीडियो की तरफ मतलब कैमरे की तरफ देखते हैं कि भाई कैमरा तो ऑन ही नहीं किया, तो वो हमारी मेहनत है वो ख़राब चली जाती है, कई बार शूट नहीं कर पाते, लेकिन आप लोग ये चीज़ नहीं समझ पाओगे। एक यूट्यूबर है जो डेली वीडियो बनाते हैं उनको ही ये पता है, तो हमें तो पता है भाई, कई बार ऐसी गलतियां हमसे भी हो जाते हैं कि हम कैमरा ऑन करना भूल जाते हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ होती है जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, लेकिन हम उसमें फिर बता देते हैं कि भाई मैंने इसमें ये चीज़ ऐड की थी, मैं वो बताना भूल गई या फिर मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, हर एक बंदा इंसान ही तो है, गलती उससे भी हो सकती है, तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब भाई कमियां मत निकाला करो एक दूसरे में, मतलब उनकी अच्छाई देखा करो, एक दो हो सकता है उनमें एक दो ऐसी चीज़ें हों लेकिन उनको आप इग्नोर करो, उनकी अच्छाई को देखो ना, इतने सारे अच्छे काम करती है, इतनी सारी अच्छी रेसिपी शेयर करती है, अच्छी वीडियो बनाती है, फिर भी जिन लोगों को उनमें कमियां निकालनी वो निकाल रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं वहाँ पे देखो, तो मतलब ये है कि बंदा कितना भी अच्छा काम कर ले लेकिन जो जलने वालों की है ना कमी नहीं है दुनिया में, मतलब ज़्यादातर लोग जो नज़दीकी लोग होते हैं ना वो ज़्यादा जलते हैं, इधर उधर से फेक आइडिया बना के इधर उधर से कमेंट कर सकते हैं, मतलब ये नहीं पता, और पता नहीं क्यों जलते हैं समझ में नहीं आता, एक दूसरे की कामयाबी को देख के जलते हैं या ये देखते हैं कि भाई ये बंदा कितना अच्छा काम कर रहा है, इतना फेमस हो रहा है, शायद इस तरीके से ज़्यादा जलते होंगे लोग तभी वो ऐसे कमेंट करते हैं, अदरवाइज ऐसी छोटी छोटी कमियाँ निकालना है ना उन्हीं लोगों का काम है। तो इतने अच्छे होने के बाद भाई मैं तो यही कहती हूँ कि मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियो देखी है, काफ़ी चीज़ें आपसे सीखी भी है, तो अच्छा लगता है हम आपसे सीखते हैं, कई लोग हमसे भी शायद सीखते होंगे, नहीं सीखते हैं तो आगे सीख लेंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक बंदा किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, कई सारी ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत अच्छे से आती है, और ये ज़रूरी नहीं है कोई बड़े यूट्यूबर है उनको वो चीज़ आती हो, तो ये ज़रूरी नहीं है, कोई हमसे सीख लेगा हम किसी से सीख लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चीज़ देखो करने से ही कोई चीज़ आती है, जब कोई बंदा किसी चीज़ में पहले मेरी शादी से पहले मुझे खाना बनाना नहीं आता था और उसके बाद मैंने अपना मतलब कुकिंग का चैनल स्टार्ट किया, तो ये देखिए ना मैंने भी कितनी मेहनत की है, मैं धीरे धीरे चीज़ को बनाती रही सीखती रही और सीख सीख के मैंने आपको कई काफ़ी लोगों को सिखाया, शायद काफ़ी लोग मेरी रेसिपी को फॉलो भी किया है, तो ये चीज़ देखिए करने से ही कोई चीज़ आती है। मतलब मैंने तो शुरू शुरू में एक बार मैं तो आपको बताना चाहती हूँ कि शुरू शुरू में जब मेरी शादी हुई थी और तब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ ससुराल में कढ़ी बनाई थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि कढ़ी किस तरह से बनती है, और मैंने कढ़ी में बस वो मतलब क्या बोलते हैं हल्दी नहीं डाली, और वो कढ़ी मैंने बगैर हल्दी के बना दी, जो लेकिन जो बगैर हल्दी की जो चीज़ बनाती है उसका कलर अलग ही आता है, वो बिल्कुल मतलब गाढ़ी होती है ना उस तरह की बन गई, बट फिर भी किसी ने कुछ नहीं बोला और हस्बैंड बोले वो बड़ी टेस्टी कढ़ी बनी है, तो मेरे को वो दिन याद है, और मुझे भी नहीं पता था, मैं खुद मन मन में सोच रही भाई जब मम्मी घर में कढ़ी बनाती थी ना तो ऐसी तो नहीं बनती थी, अब ये कैसी बन गई पता नहीं मुझसे, और उस टाइम इतने वो नहीं होते थे कि भी आप वीडियो कॉलिंग करके या इस तरह से तुरंत आप मम्मी से फ़ोन करके पूछ लो, इतने यूट्यूब पे भी कोई वो नहीं था खास रिस्पॉन्स कि हम तुरंत, आजकल तो कोई भी चीज़ हम देख के सीख सकते हैं बना सकते हैं, तो उस टाइम इतना वो नहीं था, और पहले के जो मतलब जिस टाइम हमारी शादी हुई थी ना तो पहले के थोड़े लोग शर्माते भी थे भाई झूठ नहीं है, मतलब एक दूसरे से पूछने में या फिर वैसे
तो जैसा मन किया वैसे ही मैंने बना दी। फिर बाद में पता चला, फिर मेरी सास ने आके बोला कि भाई कैसी कढ़ी बनी है, इसमें हल्दी नहीं डाली क्या? मैं खुद सोच रही, मैंने कहा हल्दी भी डलती है कि कढ़ी में? फिर मेरे को पता चला कि हल्दी भी डलती है। तो वो चीज़ याद आती है ना मेरे को, बड़ी हंसी आती है। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि बड़ी टेस्टी कढ़ी है उनको, मतलब बगैर हल्दी की। और वो इतनी टेस्टी कढ़ी नहीं थी, मुझे भी पता है, क्योंकि जब मैं अपनी मम्मी के हाथ की खाती, फिर मैंने खुद अपने हाथ की खाई, तो मुझे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगी। लेकिन फिर भी हस्बैंड ने और करके लोगों ने मतलब ये नहीं कहा कि भी एक गंदी बनी है, सब बोले अच्छी बनी है। बट इसका कलर पता नहीं कैसे, मेरे को पता ही नहीं था। मैं सोच रही थी कि बेसन पीला होता है ना, तो उसमें वैसे ही ऑटोमेटिकली अपना आप कलर आ जाएगा, तो मैंने उसमें हल्दी ऐड नहीं की। और अब मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बना लेती हूँ, मतलब ये कहने की जरूरत नहीं है, खुद को पता चल जाता है कि हम पहले कैसा खाना बनाते थे और अब धीरे धीरे सीखते सीखते कैसे बनाने लगे। तो सब चीज़ तो घर में, ये नहीं कहती मैं सब चीज़ में परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब जो घर में खाना बनता है वो तो मोस्टली मैं बहुत टेस्टी बना लेती हूँ। तो ये जरूरी नहीं है भाई, किसी को नहीं आता तो कोई सीख लीजिए, किसी को आता है तो किसी दूसरे बंदे को सिखा लीजिए। तो ऐसे ही लाइफ चलती रहेगी और हम कुछ ना कुछ आगे सीखते ही रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे बंद। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो पे है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी आप मेरी वीडियो को तुरंत देख पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।